आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपके CGPSC प्रीलिम्स यहाँ तक कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा जो CG व्यापम की परीक्षाएं हैं उसके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेघनाथ पर्व से संबंधित राज्य की कौन सी जनजाति है? तो देखो, मेघनाथ जो कि रावण का पुत्र है, तो जो गोंड जनजाति के लोग हैं ना, ये मेघनाथ पर्व मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार मेघनाथ ने गोंड जनजाति की रक्षा की थी, इसीलिए ये लोग जो हैं मेघनाथ पर्व मनाती हैं। इसके अलावा कोरकू जनजाति में मेघनाथ खम्भ का प्रचलन है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, मेघनाथ खम्भ कोरकू, मेघनाथ पर्व गोंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजाति कौन नहीं है भाई? अगर हम बात करें कोल की, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, धुरवा भी दक्षिण की है, उरांव भी दक्षिण की है, लेकिन जो कोरवा जनजाति है इसका संबंध उत्तरी छत्तीसगढ़ से है। एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि यहां मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं अधिकतर प्रश्न पुराने प्रश्न पत्रों से उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था जहां तक मुझे याद है, कि घोटुल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो घोटुल जो है मुरिया जनजाति से संबंधित युवा गृह है। अच्छा, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, मैं डिटेल बताने लग गया। चलो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है ना, घोटुल के संबंध में क्या सही नहीं। तो मुरिया जनजाति का युवा गृह है, पहला बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है, युवक सदस्य धांगर कहलाते हैं, ये गलत है, युवक सदस्य जो है चेलिक कहलाते हैं। तीसरा दिया है, युवती सदस्य धांगरीन कहलाती हैं, गलत है ये भी। देखो, जो धांगर और धांगरीन होते हैं ना, ये उरांव जनजाति के युवा गृह धुमकुरिया से संबंधित हैं। युवकों का मुखिया सिरेदार कहलाता है, बिल्कुल सही है भाई। युवतियों की मुखिया बेलोसा कहलाती, ये भी सही है। तो ये घोटुल से संबंधित है, सिरेदार बेलोसा। विवाहित मुड़िया इसके सदस्य होते हैं, गलत है, विवाहित मुड़िया इसके सदस्य नहीं होते हैं। लिंगोफेन प्रमुख देवता है, बिल्कुल सही है भाई। तो यहां पर आपको जो कथन सही नहीं है घोटुल के संबंध में वो पहचानना है। तो एक तो तीसरा सही नहीं है, सॉरी माफी चाहूंगा, तीसरा वाला सही नहीं है, चौथा सही नहीं है, नहीं नहीं चौथा सही है, ये दूसरा तीसरा और छठवां, दूसरा तीसरा छठवां ये गलत है, दूसरा तीसरा छठवां। तो यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा द, ये जो है आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोरवा जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता? अच्छा, ये चौथा क्वेश्चन छूट रहा था, माफी चाहूंगा, इसको देख लेते हैं। तो चौथा को, निम्न में से किन जनजातियों में युवा गृह नहीं पाए जाते हैं? तो किन जनजातियों में युवा गृह नहीं पाया जाता है भाई? तो देखो, एक तो अगर किन में पाया जाता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। उर्राव में पाया जाता है, धुमकुरिया, बिरहोर का मेरे ख्याल से गीति होना है, उसके बाद एक मिनट, किन जनजातियों में युवा गृह नहीं पाए जाते हैं? तो यहां पर बिरहोर में गितियोना, उसके बाद भारिया, इसमें रंग बंग होता है, भारिया में रंग बंग, उसके बाद भारिया में रंग बंग, तो यहां पर आपका कूट बनना चाहिए। एक तो कंवर इसमें नहीं है, कंवर में नहीं है, एक कंवर होना चाहिए, भुजिया बैगा, 1 3 5 एक कुछ होना चाहिए, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, 1 3 5 है या नहीं, 1 3 5 कूट ही नहीं है, 1 3 5 कूट ही नहीं है, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो, उर्राव में तो है, कंफर्म है उर्राव में, भारिया में भी है, उसके बाद बिरहोर का आई थिंक गितु होना है, बिरहोर का गितु होना है, तो 1 4 6, अच्छा 1 4 6 ना, 1 4 6, तो कूट में 1 4 6 है या नहीं देख लेते हैं। तो 1 4 6 है, तो आपका जो स है इनमें जो युवा गृह है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरवा जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरवा जनजाति में जो हठ विवाह होता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं भाई? तो इसको जाना जाता है, कोरवा जनजाति के हठ विवाह को ढुकू के नाम से, ध्यान रखेंगे, ढुकू, ढुकू के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरहुल नृत्य कब किया जाता है? तो सरहुल नृत्य जो है चैत्र मास में किया जाता है, चैत्र मास के पूर्णिमा को,
सरहोल नृत्य किया जाता है, उर्राव जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है? तो गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है वेरियर एल्विन ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो भाई मुड़िया जनजाति द्वारा ककसार किया जाता है, हुलकी पाटा किया जाता है, ये बालतोर किया जाता है। परब नृत्य जो है ये धुरवा अथवा परजा जनजाति द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, धुरवा अथवा परजा जनजाति द्वारा परब नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी एक शिकार नाटिका है? तो शिकार नाटिका कौन सी है भाई? तो इनमें से जो माओपाटा है ये शिकार नाटिका है, इसमें जो है शिकार का दृश्य दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मृतक गीत है? तो देखो कोटनी गीत जो है विवाह से संबंधित है, रीलो गीत कभी भी किया जाता है, लेजा गीत भी विवाह गीत है, बाकी जो घोटुल पाटा है ये मृतक संस्कार गीत है, जिसको कि समाज के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो ये मुरिया जनजाति के प्रमुख देवता है, ध्यान रखेंगे मुरिया को मुड़िया भी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक राज्य का नृत्य नहीं है? तो भाई कौन सा एक राज्य का नृत्य नहीं है? बार नृत्य है, बिल्मा भी किया जाता है, थापटी भी किया जाता है कोरकू जनजाति द्वारा, लेकिन बिहू जो है ना भाई असम से संबंधित है। काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है बस्तर दशहरा से? काछिन गादी का संबंध है बस्तर दशहरा से, मावली प्रघाव का संबंध है, बाहर रैनी का संबंध है, मुरिया दरबार का संबंध है, लेकिन जो रावण वध है और तीजा जगार इनका संबंध जो है बस्तर दशहरा से नहीं है। मतलब कि आपका उत्तर हो जाएगा 2 और 5। तो कूट में देखते हैं 2 और 5 है या नहीं। हाँ, तो ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है ये आपने बताना है। तो देख लेते हैं भाई, पायसोतूर बड़ों की सहमति से किया गया विवाह, तो यही जो है मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि पायसोतूर जो है अपहरण विवाह है। लमसेना की बात करें तो सेवा विवाह है, बिल्कुल सही है, घर जमाई वाला। गुर्राहट विवाह, विनिमय विवाह, आदान प्रदान किया जाता है, एक तरफ से लड़की दी जाती है, दूसरी तरफ से लड़की ली जाती है। पारिंगधन ये वधु मूल्य देकर विवाह, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर अ जो है गलत होगा, पायसोतूर जो है अपहरण विवाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीर विवाह का प्रचलन किस जनजाति में? बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बिंझवार जनजाति में इसका प्रचलन है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से क्या गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? तो देखिएगा, तित्री पहनते हैं, सुर्रा पहनते हैं, पुतरी पहनते हैं, नागमोरी जो है बाह में पहना जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन दिया है, पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो पहुंची कहां पहना जाता है भाई? तो ये जो है बाह अथवा बाजू में पहना जाता है पहुंची। अगला क्वेश्चन दिया है, घड़वा कला में किन धातुओं का प्रयोग होता है? तो घड़वा कला में पीतल और कांसे का प्रयोग किया जाता है। मोम क्षय पद्धति के द्वारा जो क्या कहते हैं वो बनाया जाता है, मतलब जो भी कलाकृति है मूर्ति वगैरह। अगला क्वेश्चन दिया है, किस क्षेत्र में कंघी प्रेम के उपादान के रूप में प्रतिष्ठित है? मतलब कि प्रेम के प्रतीक के रूप में कंघी को जाना जाता है, तो बस्तर क्षेत्र में जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कंघी गिफ्ट करता है वहां के आदिवासियों में। अगला क्वेश्चन दिया है, सर्वाधिक धर्मांतरण किस जनजाति का हुआ है? काफी आसान क्वेश्चन है, उर्राव जनजाति का सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। एक मिनट, उर्राव जनजाति, हाँ ठीक 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 आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ढांढल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ढांढल, तो ढांढल नृत्य भाई ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, ढांढल थापटी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है, देख लेते हैं। एक तरफ जो है कुछ शब्द दिया हुआ है और दूसरी तरफ वो क्या है ये आपको बताना है। अंगाकार जो है एक व्यंजन है, अंगाकार रोटी। करेया जो है एक प्रकार का वस्त्र है। मांदर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। लच्छा एक प्रकार का आभूषण है। लच्छा पराठा मत समझ जाना। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर सुमेलित का मतलब कूट मिलाना था, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी एक राज्य में बोली जाने वाली बोली नहीं है? तो देखते हैं, सदरी जो है एक मिनट सॉरी माफी चाहूंगा, कौन सी एक राज्य में बोली जाने वाली बोली नहीं है? तो सदरी बोली जाती है, कुरुख भी बोली जाती है, हलबी भी बोली जाती है, लेकिन जो तुलु है ना ये आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, माटी तिहार राज्य के किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है? तो ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है माटी तिहार। ये लगभग अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, चैत्र मास में। माटी तिहार का मतलब होता है मिट्टी के प्रति एक प्रकार का समर्पण व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस पड़ोसी राज्य में जनजाति जनसंख्या न्यूनतम है? तो सबसे कम जनसंख्या जनजाति जनसंख्या वाला छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा है, झारखंड में भी बहुत ज़्यादा है, उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजातीय जनसंख्या देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति द्वारा फसल काटने के बाद मनाया जाने वाला पर्व है? तो कोरवा जनजाति जब फसल काट लेती है ना, तो कोरा नामक पर्व मनाया जाता है। बीज बोहनी, तो वही बीज बोने से पहले, नवाखानी जब नया अन्न उत्पन्न होता है ना वो, और दियारी जो है ये बस्तर अंचल में मनाया जाता है फसल कटने के बाद। अगला क्वेश्चन है, अर उनो किस प्रकार का विवाह है? तो अर उनो एक प्रकार का विधवा विवाह है, जनजातियों में विधवा विवाह की अनुमति है। अगला क्वेश्चन दिया है, जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? तो भाई सल्फी क्या है, एक प्रकार का वृक्ष, ध्यान रखना। देखो सल्फी जो है एक पेय पदार्थ है ना, पेय पदार्थ को बोला जाता है सल्फी, लेकिन ये जो पेय पदार्थ है किस वृक्ष से कहां से मिलता है? तो एक वृक्ष से निकलता है और उस वृक्ष का भी नाम है सल्फी, ध्यान रखना। पेड़ के नाम, पेड़ को भी बोला जाता है सल्फी, सल्फी का पेड़, सल्फी का वृक्ष, और रस को भी सल्फी बोला जाता है। यहां पर वृक्ष जो है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र सहनाई का रूपांतरण है? तो जो मोहरी है ये सहनाई के समान दिखता है, मोहरी। अगला क्वेश्चन दिया है, बस्तर क्षेत्र में धनकुल जगार के आयोजन में गायन की भाषा क्या है? तो ये हलबी भाषा में गाया जाता है, हलबी बोली में। अगला क्वेश्चन है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के किस वंश के इतिहास से संबंधित है? गोपल्ला गीत, तो ये जो है कलचुरी वंश से संबंधित है गोपल्ला गीत। अगला क्वेश्चन दिया है, रायपुर नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो भाई रामचंद्र देव द्वारा की गई थी रायपुर नगर की स्थापना, इनके बेटे थे ब्रह्मदेव राय, और ब्रह्मदेव राय की के नाम से ही जो है रायपुर नगर बसाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में काकतीय वंश ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो इसका आंसर होगा दरियाए देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है, देख लेते हैं, परलकोट विद्रोह, एक तरफ विद्रोह दूसरा तरफ शासक, परलकोट विद्रोह के समय शासक कौन था? महिपाल देव। उसके बाद मेरिया विद्रोह, मेरिया देव विद्रोह जो है ये भूपाल देव के समय हुआ था। उसके बाद मुरिया विद्रोह जो है भैरम देव के समय, भोपाल पट्टनम संघर्ष दरियाए देव के समय। तो आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? तो भाई एगन्यू, इसने जो है राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगना प्रमुख होता था, तो परगना का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे कमाविसदार। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर किस सूबेदार के समय छत्तीसगढ़ आया था? तो फॉरेस्टर जो है ये महीपत राव दिनकर के शासनकाल में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के विषय में क्या सही नहीं है? तो सूबा शासन के संदर्भ में पहला दिया है, सूबा शासन 1787 से 1818 तक रहा, बिल्कुल सत्य है भाई। उसके बाद दिया है, बिंबाजी भोसले ने सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की, तो ये जो कथन है गलत है, ये सही नहीं है। अगला दिया है, महीपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार थे, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला दिया है, सूबेदार का मुख्यालय रतनपुर था, ये भी ठीक है। विठल राव दिनकर सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहा, तो ये कथन जो है गलत है। अगला दिया है, सूबेदार का पद वंशानुगत था, ये भी गलत है। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 2, 5, 6, कूट में देख लीजिएगा, 2, 5, 6, द जो है आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन दिया है, भूमकाल विद्रोह से संबंधित नहीं है, कौन संबंधित नहीं है? लाल कालेंद्र सिंह का संबंध है, था गुंडाधुर, तो भाई नायक थे, रानी सुवर्ण कुंवर ये राजमाता थी और ये भी जो है इस विद्रोह में सम्मिलित थे, रानी चोरीस का इससे कोई भी संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के इन ब्रिटिश अधीक्षकों का सही कालक्रम
क्या है, तो ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आ जाएगा एडमंड, दूसरे नंबर में आएगा एगन्यू, तीसरे नंबर में आएगा सैडिस, फिर आएगा काफर्ड। तो आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा, 4-3-1-2, 4-3-1-2, अरे 1 मिनट, 4-1-3-2, 4-1-3-2, ये है ना, 4-1-3-2, मतलब ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 1854 में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1854 की स्थिति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का गठन किया गया, कौन सा एक जिला नहीं था? तो देखो रायपुर जिले का गठन हुआ, बिलासपुर जिले का गठन हुआ, उसके बाद संबलपुर जिले का गठन हुआ, लेकिन बस्तर जिला जो है 1948 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन दिया है, माधव राव सप्रे द्वारा छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का संचालन प्रकाशन कहां से किया गया? तो पेंड्रा रोड। काफी आसान क्वेश्चन है, सरल सरल क्वेश्चन मैंने लिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, भोरमदेव मंदिर के विषय में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, पहला कथन है कि इसका निर्माण गोपाल देव द्वारा करवाया गया, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 1089 में हुआ, ये भी सही है। यह बेसर शैली में निर्मित है, यही गलत है भाई, ये बेसर शैली में नहीं नागर शैली में निर्मित मंदिर है। भोरमदेव आदिवासी देवता, ये भी ठीक है। तो यहां पर जो स है ये गलत है और वही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, धारावर्ष है, उसके बाद धारावर्ष है छिंदक नागवंश से संबंधित हैं, सोमेश्वर देव हैं, हरिश्चंद्र हैं, उसके बाद रामचंद्र नहीं है, महिपाल देव नहीं है। तो यहाँ पर दलपत देव, रामचंद्र, महिपाल देव, रामचंद्र, अच्छा महिपाल देव, हाँ महिपाल देव तो है ना, महिपाल। तो यहाँ पर 2 और 5, ये आपका उत्तर होगा। देखते हैं कूट है यानी 2 और 5, 2 5 6, महिपाल देव, महिपाल देव एक राजा है ना, अभी हम लोगों ने पीछे देखा, महिपाल देव कहाँ गया, पीछे कहीं तो दिखा था महिपाल देव, महिपाल देव नाम है ना, थोड़ा सा मैं महिपाल देव पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, खैर इसको जाने देते हैं। महिपाल देव को अगर खोजने बैठ, हाँ महिपाल देव तो है, यहाँ कूट थोड़ा सा जो है गलत हो गया है, माफी चाहूंगा। तो 2 और 5 जो है इसका सही कूट होगा, एक तो दलपत देव, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक 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 ठीक, महिपाल देव, देखो दलपत देव ये काकतीय वंश का है, महिपाल देव भी काकतीय वंश का है, रामचंद्र देव जो है ये कलचुरी वंश का है, और बाकी हरिश्चंद्र, सोमेश्वर देव, धारावर्ष ये नागवंश के, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, माफी चाहूंगा। तो हमको बताना है कि कौन बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है। तो दलपत देव काकतीय वंश का, महिपाल देव काकतीय वंश का, रामचंद्र देव है कलचुरी वंश का। तो 2 5 6 आपका आंसर होगा, ब ब उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया है, किस कलचुरी शासक ने छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर बंदी बना लिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। तो इसका उत्तर होगा जाजल्ल देव प्रथम, इसने जो है सोमेश्वर देव को पराजित किया और बंदी बना लिया था, बाद में छोड़ भी दिया। अगला क्वेश्चन है, सकल कोसलाधिपति की उपाधि किस कलचुरी शासक ने धारण किया था? तो पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा यह उपाधि धारण की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस काकतीय राजा ने जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई? तो दलपत देव ने जो है जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी एक कलचुरी कालीन मापन की इकाई थी? तो भाई गंडा, पसेरी, तराजू, कोरी, कौन सी एक कलचुरी कालीन मापन की इकाई थी? तो यहां पर गंडा भी था, पसेरी भी था, तराजू, इसका क्या आंसर लिया गया है? पसेरी, अच्छा इसका आंसर लिया गया है पसेरी, क्योंकि तराजू तो आज के समय का है, गंडा भी बाद का है, और कोरी तो पैसा को बोला जाता था। तो ब जो है पसेरी, जो जिसको आज के समय में पायली भी बोला जाता है, तो वो जो है मापन की इकाई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक ने करवाया था? तो यह कार्य करवाने वाले व्यक्ति थे पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आज आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, लिंगोपाटा गीत गाने वाले परंपरागत जनजाति कौन सी है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर।
उसके बाद भूमिया राजा के नाम से कौन जाने जाते थे, ये क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, कोरिया रियासत की प्रारंभिक राजधानी थी। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और मैं जो है आगे आने वाले वीडियोस में इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग खोजिए और इसका आंसर करिए। तो भाई इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हालांकि जो क्वेश्चंस थे काफ़ी सरल थे, कुछ एक क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं, बट अधिकतर क्वेश्चन सरल ही थे। फिर भी बताइएगा क्वेश्चन कैसे थे, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।